नमस्कार श्रोताओं, उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय के सामुदायिक रेडियो हेलो हल्द्वानी में आपका बहुत स्वागत है। दोस्तों, कंजक्टिवाइटिस आजकल बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रहा है और एक तरह से एक एपिडेमिक इसको कहा जा रहा है और लोगों में काफ़ी हवा भी इसका हो गया है। लोग काफ़ी डर भी रहे हैं क्योंकि जिस तेज़ी से ये अपने पाँव पसार रहा है, फैल रहा है, तो एक डर का माहौल है। उस डर में कई सारे जो हमारे मिथ हैं, जो हमारी पुरानी जो चीज़ें होती हैं, जिस पर अंधविश्वास जो है लोग जिस पर बहुत आँख मूंद कर भरोसा करते हैं, ऐसी ट्रिक्स को अपना रहे हैं। तो आज हम इससे जुड़े हुए भ्रम को लेकर, मिथ को लेकर बात करेंगे। डॉक्टर विजय जोशी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि बहुत ही डाउन टू अर्थ एक डॉक्टर हैं, बहुत ही एक हम कहें कि एक समुदाय के डॉक्टर हैं। बेस हॉस्पिटल में इस वक्त अपनी सेवाएं दे रहे हैं। और डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद जी। डॉक्टर साहब, थोड़ा सा बताइए हमारे श्रोताओं को कि जो आपने कुछ कुछ केस बताए थे कि चूना लगाकर डॉक्टर लोग आ जा रहे हैं आंखों में, या ऐसे बहुत सारी चीज़ें लोगों में भ्रम फैले हुए हैं, क्या क्या भ्रम हैं और कैसे हम उनको दूर करें। जैसे कि मैम, पिछले एपिसोड में भी हमने डिस्कस करा था कंजक्टिवाइटिस के बारे में। कंजक्टिवाइटिस में लोग, क्योंकि डॉक्टर्स में वहाँ पे भीड़ है, हमें आई फ्लू वहाँ से फैल ना जाए, इस तरीके से वहाँ से आने से बच रहे हैं, तो इस वजह से वो घर में इलाज कर रहे हैं। पिछले एपिसोड में हमने ये भी करा था कि किस तरीके से हम सफल तरीके से इलाज कर सकते हैं घर में। परंतु कुछ लोग इसमें, लोगों को मिथ्स हैं, भ्रांतियाँ कि ऐसे तरीके से भी अगर हम करें, जैसे कि कई लोग चाय पत्ती का पानी लगा के आते हैं, काजल लगा लेते हैं, वही काजल माँ दूसरे के बच्चे को, घर में दूसरे बच्चे को भी लगा रही है उसी हाथ से, तो उसके हाथ का द्रव, आँख का द्रव या पानी दूसरे के आँख में भी लग के उसको भी आई फ्लू हो जा रहा है। कई लोग फिटकरी लगा ले रहे हैं, कई लोग चूना लगा रहे हैं, कई लोग बर्फ़ की सिकाई भी कर दे रहे हैं, कई लोग पानी से, नदी नाले के स्रोत से, जैसे डॉक्टर्स ने, कई वक्ताओं ने बताया कि पानी से धोना है। परंतु मैं इसमें एक ऐड करना चाहूँगा कि साफ पानी से धोना है, ना कि हम लोग नदी नालों के जहाँ पानी मिला वो वैसे नहीं करना है, क्योंकि उसकी वजह से आपको एकेथेम्बिवा केराटाइटिस हो सकती है, केमिकल कंजक्टिवाइटिस मैम जैसे हमने पिछली बार डिस्कस करा, ये हो सकती है। तो आपको फिल्टर के साफ पानी से करना है, ना कि मैं कहूँगा उबाल के ठंडे पानी से भी नहीं करना है पानी, क्योंकि उससे क्या हो सकता है कि उसमें तो सारे केमिकल्स रह सकते हैं, चूना रह सकता है। नीचे से आप देख, उबाल के जब पानी ठंडा करते हैं तो आप नीचे से देखते हैं कि सेडिमेंट्स रहते हैं, उसके वजह से भी आँख में लालीपन की वजह से आपको लग सकता है कि आपको आई फ्लू हुआ है, बल्कि हो सकता है कि आपको आई फ्लू ना हुआ हो, या हुआ भी हो तो उसकी वजह से आपको बढ़ सकता है। तो इस तरीके के जो मिथ्स हैं हमें नहीं अपनाने हैं। इस तरीके के मिथ्स मैं मैम कहूँगा कि जब आधुनिक ट्रीटमेंट मैन टू मैन तक नहीं पहुँच पाता था, तब इस तरीके के लोग किंवदंतियाँ थी कि इस तरीके की अम्मा बूबू का इलाज हम कहते हैं पहाड़ियों में, उस तरीके का था। अब चूंकि आधुनिक ट्रीटमेंट हमारे जन जन तक यूट्यूब या इसके माध्यम से, लोगों के PHC CHC इसके माध्यम से जन जन तक पहुँच चुका है, तो इस तरीके से हमें आधुनिक ट्रीटमेंट जो कि वैज्ञानिक पद्धति से किया जा सकता है, जिसका कि एक बीमारी का एक ही इलाज है, या फिर अकॉर्डिंग टू डिजीज या एविडेंस बेस्ड ट्रीटमेंट जिसे कहते हैं, उस तरीके का इलाज आपको डॉक्टर से परामर्श के बाद ही आपको लेना है। जी, डॉक्टर साहब, बहुत ही शानदार जानकारी आपने दी है। तो अनिल, कुछ और क्या मिथ हैं? हमें तो याद भी नहीं आ रहे हैं क्या क्या हैं करके। सर, आप ही कुछ बताइए जी। बर्फ की सिकाई के लिए कहा जाता है, तो सर ये क्या गलत है? बर्फ की सिकाई, जैसे उसी बर्फ से मैम लेते हैं कि वो पानी, एक तो मैंने बताया जिस तरीके का पानी है, अगर वो पानी जल्दी आपने टैप वाटर से लिया हुआ है, वो बाद में आँख में जाएगा तो वही चीज पहले वाले करेगा, और वही बर्फ से बाकी लोग सिकाई कर रहे हैं। आप अपना अलग से करके आप उसको कंटेमिनेट ना करें, अलग से रखें, ठीक है, तब आप उसको बच सकते हैं। या फिर जैसे रुमाल से साफ करना कह रहे हैं, तो एक मिथ कह रहा हूँ कि हम लोग सफाई के बारे में ध्यान रख रहे हैं, तो रुमाल, वही रुमाल से, जैसे हम लोगों ने माता बहनें जो होती हैं उसी रुमाल से सबका साफ कर लें, अपना रुमाल, तौलिया, कपड़े इत्यादि, आपको जो फोमाइट्स जिसे कहते हैं वो अलग रखने हैं आपने, जो हमारे डोर हैंडल्स हैं जहाँ पे बार बार हाथ लगता है मैम, डोर हैंडल्स हैं, टीवी के रिमोट हैं, कीबोर्ड्स हैं, जो हमारे फ्रिज का हैंडल है, उसको आप बार बार उसको सैनिटाइज करना है सैनिटाइजर से, और हाथ को सैनिटाइज करने की जहाँ तक बात है, हमने कोविड में भी, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर में भी हमने सीखा है कि साबुन का पानी और जो बहता हुआ पानी, साबुन और बहता हुआ पानी ही सर्वश्रेष्ठ है। तो इस तरीके के अपने हाथों को बार बार साबुन के पानी से धोना है जी। तो अनिल, कोविड में जो हमने सीखी थी चीजें, मुझे लग रहा है हम तो भूल गए सब, और यही वजह है सर, डॉक्टर साहब, कि ये जो बहुत तेजी से जो फैल रहा है जी जी, अच्छा, वो जो तमाम एहतियात थे वो हमने एकदम छोड़ दिए करने। जी सर, आपने कहा कि गूगल पे और यूट्यूब पर भी काफी सारी इन्फॉर्मेशन आज के दौरान मौजूद है आई फ्लू को लेकर के, जी सर, लेकिन क्या गूगल पर या यूट्यूब पर सर्च किया जाना सेफ है, या फिर स्क्रीन टाइम के लिए अगर मैं बात करूँ तो?
सीधे से कहूँ कि जैसे स्क्रीन टाइम कितना देना चाहिए टीवी कंप्यूटर या फिर फोन्स वगैरह अगर कंजक्टिवाइटिस हमें हुआ है तब? जी वैसे तो नॉर्मल आइज के लिए भी अकॉर्डिंग टू गाइडलाइंस सब बच्चों के और बड़ों का स्क्रीन टाइम सबका अलग अलग है, परंतु जब कंजक्टिवाइटिस आपको हो रहा है तो आपका स्क्रीन टाइम कम से कम आपको लेना चाहिए। जनरली जैसे सर ने बताया आदमी इलाज देखने के लिए लगता है ढूंढता है और उसको फिर रील्स देखने लग जाता है और वो टाइम आपका बढ़ जाता है। और आपने जैसे आपका फ़ोन है, फ़ोन अभी आपने लिया और फ़ोन फिर मिलाने के लिए दूसरे ने लिया तो वो इन्फेक्शन का स्रोत भी बन जाता है। तो इस तरीके से आपको स्क्रीन टाइम चाहे कंप्यूटर में चाहे फ़ोन में कम से कम हो, और आप प्रिवेंशन वीडियोज़ भी देख रहे हो तो एक बार लगा के उसको सुन सकते हैं ना कि उसको देखें। जो वीडियोस और ट्रीटमेंट जो डॉक्टर्स बताते हैं वो आपको प्रिवेंशन के लिए है, आपको जानकारी देने के लिए कि इस तरीके की इसमें ट्रीटमेंट दिया जाता है कि जिससे कि आप उसको सेल्फ इवेल्यूशन कर सकें, ना कि आप उसको सेल्फ ट्रीटमेंट करें। बाकी आप बीच बीच में अपने डॉक्टर से मिलते रहेंगे तो वो जैसे जैसे आपकी बीमारी के लक्षण होंगे, जैसे जैसे बीमारी की स्टेजिंग होगी उस तरीके से आपको ट्रीटमेंट दे देंगे। साथ ही इसमें क्या है कि जैसे मैम आपके श्रोताओं को और जानकारी देना चाहूँगा, जो लाल आँख कही गई है, लाल हमारी आँखों में ज़्यादातर बीमारियाँ आँख लाल होती है या पानी आता है या नज़र कम होती है, इसी तीन चीज़ में हमारी 3 साल की आई की पढ़ाई होती है। मुख्यतः 3 ही कारण होते हैं, नज़र में कमी या आँख में लाली आना या आँख से पानी आना। तो कहनी चाहूँगा कि आँख लाली माँ कंजक्टिवाइटिस में ही नहीं आती बल्कि और बीमारियों में भी आती है। तो इस बीच अगर और बीमारी भी हो रही होगी तो हम तो उसको उसी में गिनेंगे। जी मैम, ये आपने अच्छा सवाल किया। जो आंख लाल हो रही है, जैसे हमारी ग्लोकोमा है, आयराइटिस है, एपिस्क्लेराइटिस है, स्क्लेराइटिस है, फॉरेन बॉडी है, एलर्जी कंजक्टिवाइटिस है, बहुत तरीके की बीमारी में भी आंख लाल हो सकती है। इस तरीके के मरीज जो हमारे पास जनरली अभी आ रहे हैं तो 40 से 50% मैं कहूँगा आंख लाल के ही आ रहे हैं। बट फॉर्चुनेटली अच्छी बात है कि लोग आजकल डॉक्टर्स की सलाह लेते हैं तो इस तरीके की बीमारियां जो लेके और लाल आंख वाले आ रहे हैं तो हम उनको डिफरेंशिएट करके दवाई चला रहे हैं। परंतु जो श्रोताएं मुझे घर में सुन रहे हैं और सेल्फ ट्रीटमेंट कर रहे हैं तो वो अगर आपकी आंख लाल है तो आप जैसे मैंने बताया अगर वो वायरल कंजक्टिवाइटिस है तो आप उस तरीके के आपको किसी संक्रमण से हुई है तो आप उसको जैसे मैंने पूर्व एपिसोड में बताया था उस तरीके से आप घर पर भी इलाज कर सकते हैं। परंतु अगर नहीं ट्रीटमेंट सही हो रहा है आपका तो हो सकता है आपको और बीमारी हो सकती है, तो उसके लिए आपको डॉक्टर की सलाह जरूर लेनी चाहिए। जी तो डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया, इतना कीमती वक्त आप, इतने ओपीडी आजकल भारी भरकम चल रही है उसके बीच में भी आप इतना वक्त निकाल रहे हैं रेडियो के लिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया जी। तो अनिल इजाजत लेते हैं और इसका 2 एपिसोड आज हमने बना दिए हैं कंजक्टिवाइटिस वायरल को लेकर। तो मुझे लगता है कि जिस तरह की भ्रांतियां हैं लगातार बात करने की जरूरत है, तो डॉक्टर साहब आप आगे भी बने रहिएगा जब तक ये बीमारी एकदम खत्म ना हो जाए, तो हम तब तक रेडियो के जरिए जितनी जागरूकता हो सकती है उतना हम कोशिश करेंगे कि फैलाई जाए। तो दोस्तों इसी के साथ मैं सुनीता भास्कर और मैं अनिल चाहेंगे आपसे इजाजत आज के इस प्रोग्राम से, फिर आपसे मुलाकात होगी। नमस्कार।